इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड आप देख सकते हैं, जो मिड कैप फंड में जो कंपनियां आती है 101 से लेकर 250 तक की जो कंपनियां आती है वो क्या आती है, मिड कैप फंड में आ जाती है। और जो 1 से लेकर 101 तक जो कंपनियां आती है वो लार्ज कैप में आ जाती है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि मिड कैप में कौन सी कंपनी आती है। अगर इसको हम थोड़ा सा और समझे, यानी कि जो एवरेज कंपनी होती है वो सारी कंपनी क्या है, मिड कैप फंड में आ जाती है। यानी कि वो कंपनी क्या करते हैं, आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देते हैं और इसमें रिस्क भी होता है। लेकिन अभी समझेंगे कि रिस्क कितना होता है। तो आप देख सकते हैं जो रिस्क होता है वो मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब क्या होता है, इनके बिल्कुल बैलेंस वाला, यानी कि बैलेंस वाला रिस्क होगा। यानी कि जो स्मॉल कैप फंड में जो रिस्क होता है उससे क्या है, इसमें बहुत ही कम रिस्क होता है। और यदि हम रिटर्न की बात करें तो आप रिटर्न देख सकते हैं, रिटर्न जो होगा आपका वो मॉडरेट हो जाता है। और कभी कभी आपको जो रिटर्न है हाई भी मिल जाता है दोस्तों। क्या होता है, हाई, यानी कि अच्छा खासा आपको रिटर्न देखने को मिलता है इक्विटी मिड कैप फंड में। अगर हम बात करें कि यदि आप वन टाइम 25,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, यानी कि लम सम अगर आप 25,000 रुपये डिपॉजिट करके, अगर इन्वेस्टमेंट करके अगर आप छोड़ देते हैं, तो कैसे आप लाखों रुपए बना सकते हैं, अभी पूरी वीडियो के अंत में जानेंगे। यदि आप 1,00,000 रुपये यदि लम सम कर देते हैं इस म्यूचुअल फंड में, अभी इस म्यूचुअल फंड का नाम भी बताऊंगा तो वो कौन सा म्यूचुअल फंड है, अभी इसमें बताऊंगा और पूरे विस्तार से आपको समझाऊंगा, और आप कैसे इस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करके आप लाखों करोड़ रुपए आप कमा सकते हैं। यदि आप 6,00,000 रुपये यदि वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कि लमसम कर देते हैं, तो कैसे आप 1 करोड़ नहीं, आप 10 करोड़ से भी ज्यादा आप पैसा अर्न कर सकते हैं दोस्तों। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं गमडा रेडू में आपका स्वागत है। अब यदि बात करें इस म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेल्स के बारे में, आप लोग बोलते थे कि म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी नहीं पता, यानी कि जीरो नॉलेज है। तो यदि आज इस वीडियो को आप पूरी ध्यान से देख लेते हैं तो काफी अच्छा खासा नॉलेज आप लेकर जाने वाले हैं। और यदि हम बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं ये जो म्यूचुअल फंड आया था वो 10 दिसंबर 1999 में आया था। अगर इसकी हम रैंकिंग की बात करें तो आप रैंक भी देख सकते हैं, दूसरा वा इसका रैंक है इस म्यूचुअल फंड का। अभी आगे जाके दिखाऊंगा कि वो कौन सा म्यूचुअल फंड है। अगर इस म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 20% से भी ज्यादा आपको क्या मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड की रिटर्न देखने को मिलता है। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की अगर बात करें तो इस जगह में आप देख सकते हैं 5,26,137 करोड़ है। अभी यदि बात करें दोस्तों इसमें कि एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स के बारे में, तो आप यहां पे साफ साफ देख सकते हैं कि जो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो देख सकते हैं आप यहां पे 0.87% है। एग्जिट लोड की अगर बात करें तो 1% है। यदि आप 1 साल से पहले यदि पैसे को विड्रॉ करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 1% एग्जिट लोड चार्ज देना होगा। बात करें यदि स्टैंप ड्यूटी की तो आप देख सकते हैं 0.005% स्टैंप ड्यूटी है, जो कि सेम है गवर्नमेंट चार्ज है, इसको भी आप देख सकते हैं। टैक्स इंप्लीकेशन के अगर बारे में हम बात करें तो देख सकते हैं 15% बिफोर 1 ईयर। यदि आप 1 साल से पहले पैसे विड्रॉ करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 15% क्या होगा, टैक्स देना होगा। और यदि आप 1 साल के बाद अगर आप विड्रॉ करते हैं पैसे को तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं 10% आपको टैक्स देना होगा। अब यदि बात करें फंड मैनेजमेंट की, यानी कि फंड को कौन मैनेज करता है दोस्तों और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो उसको आप यहां पे साफ साफ देख सकते हैं। देखिए जो फंड को जो मैनेज करते हो, जो व्यक्ति है उसका नाम आप देख सकते हैं चिराग सेटलवाद उनका नाम है। एक और व्यक्ति है, अगर इनकी एजुकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं इन्होंने बीएससी किया हुआ है और साथ साथ में इन्होंने एमबीए भी किया हुआ है। तो यानी कि ये व्यक्ति आपका फंड मैनेज करेंगे अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड में। अब यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट बात है उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए अगर हम कभी भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये बैंक की तरह नहीं है या पोस्ट ऑफिस की तरह बिल्कुल भी नहीं है कि हमने आज पैसा इन्वेस्ट किया और हमारा पैसा बिल्कुल सिक्योर रहेगा और सेफ रहेगा और जितना उन्होंने बोला उतना अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उससे ज्यादा भी मिल सकता है और उससे कम भी मिल सकता है और किसी किसी कंडीशन में आपका पैसा थोड़ा डाउन भी हो सकता है, मूलधन भी थोड़ा डाउन में जा सकता है। अब यहाँ पे मेन बात क्या है उसको आप समझने की कोशिश करें। यदि हम इस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करें। और इस म्यूचुअल फंड का भी उद्देश्य यही है कि यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लंबे समय के लिए पैसा यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा और आप अच्छा खासा रिटर्न आप अर्न भी कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उस म्यूचुअल फंड के बारे में। अभी मैं आपको मोबाइल में लाइव दिखाऊंगा कि वो कौन सा म्यूचुअल फंड है और आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ में यह भी जानेंगे हम कि सिर्फ कैसे आप एक बार 25,000 रुपये इन्वेस्ट करके आप कैसे लाखों रुपए आप अर्न कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मोबाइल का डिस्प्ले आपको नजर आ रहा होगा और इस पे आपको ध्यान से देखना है। तो ये सारे म्यूचुअल फंड है और आप कहां से ढूंढेंगे इसको देखना है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं मिड कैप के बारे में बात की है इस पूरी वीडियो में, तो ये मिड कैप में मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। और जैसे ही मिड कैप में क्लिक करूंगा और क्लिक करते आप देख सकते हैं HDFC मिड कैप
अपॉर्चुनिटीज डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में, यानी कि इस पे हम क्लिक कर देंगे और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिटर्न की, लेकिन उससे पहले एक बात कर लूँ दोस्तों कि आप लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा डूब जाता है, हमारा लॉस हो जाता है, लेकिन आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, आप ध्यान से देखना। देखिए, जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था 24 अगस्त 2020 में, तो उसके एनएबी कितने यहाँ पे देख सकते हैं कि 59.01 रुपए था इसका एनएबी, और अभी प्रेजेंट की अगर एनएबी की बात करूँ तो आप इस जगह में देख सकते हैं व्हाइट कलर की बिंदु में कि अभी 139.05 इसका जो है करंट एनएबी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इनको कितना अच्छा खासा रिटर्न मिला होगा। तो जो दोस्तों जिन्होंने 2020 में इन्वेस्ट किया था उस टाइम तो करीब 60 एनएवी था और अभी इसका 139 है, तो कहने का मतलब आज के डेट में यदि आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और ये एनएवी बढ़कर 200 हो जाता है, 300 हो जाता है, तो समझ लीजिए कि आपको उतना ही अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। चलिए यदि हम बात करें इसकी रिटर्न की, तो आप देख सकते हैं सिर्फ पास्ट की एक महीने की अगर रिटर्न की हिस्ट्री देखो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 4.64% इसका रिटर्न दिया हुआ सिर्फ एक महीने का। यदि हम 6 मंथ की रिटर्न की बात करें तो इस जगह में आप देख सकते हैं 27.67% इसका है सिर्फ 6 महीने का पास्ट का रिटर्न देखने को मिला है। 1 ईयर का रिटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पे, 3 ईयर का रिटर्न आप देख सकते हैं 33.47% रहा है। अब यदि 5 ईयर रिटर्न के बारे में बात करें, पास्ट की 5 ईयर रिटर्न के बारे में, तो आप देख सकते हैं 17.65% रहा है। और ओवरऑल अगर रिटर्न की बात करें दोस्तों तो इस जगह में आप देख सकते हैं 20.68% ओवरऑल इसका एनुअल रिटर्न रहा है। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि यह पास्ट की हिस्ट्री का रिटर्न है और आप इस म्यूचुअल फंड में यदि पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले समय में आपको भी इससे अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है, या हो सकता है आपको 18% का रिटर्न मिल जाए। लेकिन मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि आज की डेट में अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले समय में आपको 20+ ही रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर रेटिंग की बात करें तो रेटिंग आप देख सकते हैं 4 रेटिंग दिया हुआ है इस म्यूचुअल फंड की, और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो आपका मिनिमम SIP है। जैसे आप पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम में 100 रुपये मंथली डिपॉजिट कर सकते हैं, सेम उसी प्रकार यहाँ पे भी आप 100 रुपये मंथली SIP कर सकते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर। और यदि हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें, लमसम इन्वेस्टमेंट की, तो आप सिर्फ 100 रुपये एक बार ही डिपॉजिट करके छोड़ सकते हैं 20 साल 40 साल 50 साल के लिए दोस्तों। और यदि हम फंड साइज की बात करें तो इस जगह में आप देख सकते हैं कि 45,449 करोड़ है इसका जो है फंड साइज है। दोस्तों क्या है, फंड साइज है। अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसके बेस पे हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि हमारा पैसा जो इन्वेस्ट होगा आखिर कौन कौन कंपनी में हमारा पैसा इन्वेस्ट होने वाला है, तो वो है आपका होल्डिंग। होल्डिंग देखना ना भूले, होल्डिंग जरूर देखना है आपको। देख सकते हैं द इंडियन होटल्स कंपनी, यानी कि जो मैंने आपको बताया था जो मिड कैप फंड में जो एवरेज कंपनियां आती है वो सारी कंपनियां है। तो इसमें देखिए आपका 4.16% पैसा इसमें आपका इन्वेस्ट होने वाला है। टाटा कम्युनिकेशन LTD में आपका पैसा इन्वेस्ट होने वाला है। मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में भी आपका पैसा इन्वेस्ट होने वाला है। अपोलो टायर्स LTD यानी कि बहुत अच्छी कंपनी है, उसमें भी आपका पैसा इन्वेस्ट होने वाला है। आप देख सकते हैं ये तो आपके टॉप 10 कंपनी है। अगर सारी कंपनी की बात करें तो आप इस जगह में देख सकते हैं दोस्तों कि इंडियन बैंक में आपका पैसा इन्वेस्ट होने वाला है, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस में आपका पैसा इन्वेस्ट होने वाला है। देख सकते हैं काफी अच्छी अच्छी कंपनी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपका पैसा इन्वेस्ट होने वाला है। सारी कंपनी आप यहां पे देख सकते हैं, यानी कि टोटल जो कंपनी है दोस्तों इस जगह में आप देख सकते हैं 63 कंपनी है, यानी कि 63 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पे घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, और आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, हो सकता है एक आधी कंपनी अगर लॉस में जाए लेकिन बाकी 63 कंपनी आपकी लॉस में नहीं जा सकती, इसलिए आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कैलकुलेशन की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं HDFC SIP कैलकुलेटर है, और इसमें हम वन टाइम पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हम 1 लाख रुपए क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे 1 लाख रुपए, 1, 2, 3, तो देखिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, और इसमें जैसा कि बताया कि 20% आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, तो यदि हम 18% भी मान के चलते हैं तो आप देख सकते हैं, और हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे 15 साल के लिए, तो आप देख सकते हैं इस जगह में कि आपने जो इन्वेस्ट किया टोटल वो है आपका 1 लाख रुपए। और एस्टिमेटेड अगर रिटर्न की बात करूं, ये सिर्फ पास्ट की हिस्ट्री को देखते हुए आप रिटर्न की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि 10,97,375 आपका टोटल क्या है, ये रिटर्न है। और यदि हम टोटल वैल्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं 11,97,000
375 रुपये क्या है आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट, यानी कि जो आपको पैसा मिलेगा। चलिए इस जगह में यदि हम क्या करें कि सिर्फ यहाँ पे हम 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दें, कितना 6 लाख रुपए दोस्तों, 1, 2, 1, 2, 3, 6 लाख रुपए, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मान के चले 20%, और हम 30 साल के लिए यदि पैसा इन्वेस्ट कर दे तो हमारा पैसा कितना होने वाला है, इसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए हमने जो टोटल जो पैसा क्या करा इन्वेस्ट किया, वो किया हमने 6 लाख रुपए, तो आप इस जगह में देख सकते हैं। और एस्टिमेटेड अगर रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं 14,18,25,788 रुपए दोस्तों। देखा, सिर्फ रिटर्न की बात करें तो 14,18,25,788 रुपए, टोटल मैच्योरिटी की बात करो तो देख सकते हैं 14,24,25,788 रुपए दोस्तों। देखा आपने, ये सिर्फ कंपाउंडिंग पावर है, यानी कि जितने टाइम के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपका पैसा उतना अच्छा खासा ग्रो होके आपको मिलेगा। अब यदि हम बात करें कि आप लोग कहते हो दोस्तों कि हमारे पास 6 लाख रुपए नहीं है, हमारे पास 50,000 रुपए नहीं है, हमारे पास तो 25-30,000 रुपए है, तो आप यहाँ पे देखना कि सिर्फ हम यहाँ क्या करेंगे, 25,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे लम सम में। देखिए 25,000 रुपए क्या करेंगे, लम सम में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। सिर्फ 25,000 रुपए इन्वेस्ट किया, और अगर हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चले तो वह है 20%, और 30 साल के लिए हम पैसा डिपॉजिट करके भूल जाएंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो उद्देश्य रहेगा वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, कि हम लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो देखिए 25,000 रुपए सिर्फ आपने इन्वेस्ट किया, और अगर हम इसमें एस्टिमेटेड रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे आप 59,09,408 रुपये आपको सिर्फ रिटर्न मिलेगा दोस्तों। और यदि हम टोटल वैल्यू की बात करें यानी मैच्योरिटी अमाउंट की, तो देख सकते हैं 59,34,408 रुपये, यानी कि सिर्फ आपने 25,000 रुपये इन्वेस्ट किया और कैसे सिर्फ 1 लाख रुपये कम आपको 60 लाख रुपये 30 साल बाद आपको मिल जाएंगे। और इस ग्राफ को भी आप देख सकते हैं, सिर्फ आपने जो व्हाइट कलर का जो दिख रहा है इतना आपने सिर्फ इन्वेस्ट किया, और जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है सिर्फ आपको रिटर्न मिला। तो इसे कहते हैं कंपाउंडिंग की पावर। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट में आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।